अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा एक दोस्त है मसर का, हम 3 साल जो है जद्दा में इकट्ठे रहे हैं। तो अभी ईद है तो ईद जो है इधर ही गुजारेगा, उसके भी कोई दोस्त वगैरह हैं तो वो आएंगे। क्या छापा डाला है यार, सबको भगा दिया यार। मैं तो क्लिप ले रहा था, ये बिल्ली आई है, इसने कबूतर ही सब भगा दिए हैं। इधर पहुंच गया जी। ये मेरा दोस्त है जी मसरी बराकार, इसका मैं आ गया आपको बोल रहा था। जद्दा में 3 साल इकट्ठे रहे हैं तो अभी मैं आ गया हूँ तनाजा लेके दूसरी कंपनी में, ये अभी भी उधर ही है। तो ईद मनाने मदीना आया है तो अभी हमारी मुलाकात हुई है। हम अभी आए हुए हैं जी जंगे उहद के मुकाम पे। ये मेरा दोस्त है तो रात को इधर पहुंचा है, बोल रहा था ज़्यारत करनी है तो इसे मैं अभी लेके इधर आया हूँ। जो करीब करीब ज़्यारतें हैं वो सारी इसे करवानी है मैंने। ये मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये वो जबल है, पहाड़ है जिधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को बोला था कि आपने इधर बैठना है, चाहे हम जंग जीत जाएँ या हार जाएँ यहाँ से आपने नहीं उतरना। ये जंगे उहद का पहाड़ है सारा, लेकिन अभी जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ ये वाली वो जगह है जिधर 70 सहाबा ने मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि आपने इधर ही बैठना है। तो ये मेरी बैक साइड पे कब्रिस्तान भी है और जंगे उहद का पहाड़ भी पूरा है। ये जो आपको बाउंड्री वाल सारा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये वो कब्रिस्तान है जिधर 70 सहाबा की कब्रें हैं। इसके अलावा ये जो पहाड़ है ये आपको कटा हुआ नज़र भी आ रहा है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान मुबारक शहीद हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इधर तलवार मारी थी और ये जो पहाड़ है यहाँ से कट गया था। ये अभी करीब से आप देख सकते हैं, ये वो पहाड़ी है जिधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान मुबारक शहीद हुआ था, तो इधर इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। वैसे तो घर में हम खुद ही अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, तो जब कभी जल्दी हो तो फिर बाहर से इस्त्री करवा के ले आते हैं। तो आज दोस्त आया हुआ है, अभी उसके साथ जाना है मस्जिद कुबा नमाज पढ़ने के लिए, तो टाइम कम था इसलिए बाहर से इस्त्री करवा ली है अभी।
मसकूबा जाएंगे। उसे मैं छोड़ के आया हूँ उसके रूम में, अभी कपड़े वगैरह पहन के फिर मैं जाऊँगा उसकी तरफ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है जी मसकूबा में। ये इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे, ये सज्जाद पठान है, ये कौन पुराने भी मेरी वीडियो में आता रहा, ये दूसरा बरकात है। पिक्चर निकाला जी इसकी। ये है जी दही भले, ये मदीना में है फाइन बेकर। मुझे तो पहले पता ही नहीं था, जब से पता चला ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा आके मैं रोज़ाना खा के जाता हूँ। चुप चुपा आके नहीं भाई, ड्यूटी ड्यूटी जब हो ना मेरी सिटी में साइड, मैं टीम उधर छोड़ के जब मुझे चक्कर लग गया वेयर हाउस में आके इधर से खा गया। शहजाद मुझे पता ही कैसे पता चले, कहे नसीर गया ना, नसीर घर जा के आज इंजीनियर ने नहीं बोले खिलाए, मैंने कहा है किधर इधर, क्या तो इस जगह से मिलते हैं। दूसरे दिन मैंने फिर ढूंढे हैं ये, फिर मैं इधर पहुंच आया। मैं माशाल्लाह जी आज काफ़ी जो है दोस्त के साथ घूमे फिरे हैं, ज्यारतें वगैरह करवाई हैं उसे, तो काफ़ी मज़ा आया है। आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़ा आया होगा। और अभी रात के 12 हो रहे हैं तो अभी बस सोना है, वीडियो को भी इधर ही इख्तिताम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।